77वां स्वतंत्रता दिवस के मौके पर वार्ड नंबर 45 के सोनू स्टार स्पोर्टिंग क्लब की ओर से रवि सोनकर और शशि सोनकर के नेतृत्व में 300 जरूरतमंद लोगों में साड़ी और 300 लोगों में लुंगी वितरण किया गया। मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित थे जय हिंद वाहिनी के नॉर्थ कोलकाता के अध्यक्ष श्री कृष्ण प्रताप सिंह, नॉर्थ कोलकाता के जय हिंद वाहिनी के उपाध्यक्ष ताकेश्वर दुबे, वार्ड नंबर 45 के प्रेसिडेंट शैलेश मिश्रा, अमर पांडे, विनोद ओझा, सलमान सिद्दीकी समेत अन्य अतिथि जो आए सुनते हैं सबने चला करते हैं और पथ यदि दुर्गम है तो उस पर बहादुर चला करते हैं। विभ्रांतियों में मुझे जाना नहीं, विभ्रांतियों से मुझे कोई मतलब नहीं। जो हमसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। इसकी व्यवस्था इसकी व्यवस्था हमारे पास है, क्योंकि तन मन धन से हम लोग राजनीति करते हैं, समाज सेवा करते हैं। और यदि जय हिंद वाहिनी तृणमूल कांग्रेस का 45वां वार्ड में फिल्म बने तो उसका हीरो नंबर वन होगा हमारे यहाँ का सभापति शैलेश मिश्रा। हमारे छोटे भाई संतोष सिंह, विनोद ओझा हाई कोर्ट से आए, आनंद अजय सिंह, विजय सिंह एवं शैलेश मिश्रा एवं उनके तमाम पदाधिकारीगण जो आज 77 स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर पार्टिसिपेंट किए हैं। देखिए भगवान की विडंबना, आज बारिश भी कम छूटी गई, लेकिन आज इस मंच के माध्यम से 45 नंबर वार्ड तृणमूल कांग्रेस जय हिंद वाहिनी को पूरी कमेटी एवं 45 नंबर वार्ड के अध्यक्ष शैलेश मिश्रा जी को तहे दिल से आशीर्वाद, जो कि उत्तर कोलकाता के अध्यक्ष श्री श्री ठाकुर कृष्ण प्रताप सिंह जी के मुख द्वारा सुनी हुई बात, आनंदमय बात कि शैलेश मिश्रा की कमेटी शैलेश मिश्रा के साथ ही अभी हमारे उत्तर कोलकाता में एक नंबर में जा रहे हैं वार्ड में। तो इसके लिए आप सब तहे दिल से तालियों से आज दिन सबका स्वागत करें। दूसरा, ये जो लता चाया मामला है, छुपे रस्तम जो बैठे हुए हमारे बीच में उत्तर कोलकाता जय हिंद वाहिनी तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष श्री 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 कृष्णा प्रताप सिंह जी को आप सब तहे दिल से खूब जोरों से तालियां से स्वागत करें उनका। इसके बाद मंचा सिंह भाई प्रकल्प समाजसेवी, बुद्धिमान बुद्धिजीवी और टी बोर्ड में कार्यरत, वहाँ भी यूनियन के जनरल सेक्रेटरी हैं। टी बोर्ड का जनरल सेक्रेटरी माने अपने बहुत बड़े हस्ती, इनका नाम इंडिया में टी बोर्ड में कहीं भी ले लीजिए, अमर पांडे, सब लोग बड़े सादर आदर से सम्मान करेंगे आपका। इनके लिए भी एक बार लोगों में स्वतंत्रता दिवस के मौके पे वस्त्र वितरण किया जा रहा है, क्या बोलना चाहते हैं? देखिए, सोनू स्टार क्लब जो है समाज सेवा काम में लिप्त हर साल स्वाधीनता दिवस के उपलक्ष्य गरीबों को भी वस्त्र वितरण करते हैं। जानते हैं मजदूर बहुल एरिया है और मजदूरों की कोई निश्चिंता, मजदूरों को कोई नहीं देखता, मजदूरों की मजबूरी क्या कोई समझता नहीं। सोनू स्टार क्लब जो हमारा रवि सोनकर है, शशि सोनकर है, सभी लोग मिलकर चलाते हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। इनकी जितने भी प्रशंसा की जाए वो कम होगी और जितना भी आशीर्वाद दिया जाए वो कम होगा। एक दिन दूना रात चौगुना उन्नति करें। आज स्वतंत्रता स्वाधीनता दिवस हम लोग पालन कर रहे हैं और मैं चाहूँगा कि सोनू स्टार क्लब जो है हमारा और उन्नति करे और प्रगति करे और आगे बढ़े। अच्छा, देखा गया इंडिया गठन करेखने प्रधानमंत्री बोले जो इंडिया के बुझा दी 1974 इंडिया के पॉलिटिकल पार्टीगुलो i.n.d.i.a. से पार्टीगुलो की निंदा करे गए। अब देखुन उनार माने कत हताश होइछेन, उन्हीं बोलछेन कि मैं प्रधान, मैं अगला झंडा फहराऊंगा इंडिया की, बोलछे जीतबो तापर ठीक करबो, ये प्रधानमंत्री हबे।
কে প্রধানমন্ত্রী হবে উনি বলছেন আমি আগামী 24 পতাকা উত্তোলন করব লাল কেল্লা আর রইল মুজাহিদুল উনি বলতেই পারেন উনি সবসময় বলতেই পারেন যা বলে ওনার যতটা বুদ্ধি ততটাই তো বললেন প্রধানমন্ত্রী হয়ে যাওয়াটা বড় ব্যাপার নয় একটা বুদ্ধি নিয়ে সেই কথাটা জওহরলাল নেহরু থেকে নিয়ে রাজীব গান্ধী অব্দি বা মনমোহন সিং থেকে নিয়ে অটল বিহারী বাজপেয়ী অব্দি যা দেশের প্রধানমন্ত্রী তো কোনো পানির হয় না প্রধানমন্ত্রী সারা দেশের তারা এই যে বক্তব্যটা ওনার ওরা তীব্র নিন্দা আমরা করছি উনি ভালো ভাষা জানেন না ভালোবাসার কথা উনি বলতে পারবেন না ঝগড়া লাগানোর কথা বলবেন अपने सभापति के दिल में वास करते हैं अच्छा काम करेंगे और आगे जाए प्रगति तो होना ही आगे प्रदर्शन डूबे है या उपसभापति अच्छा काम करेगी इनका प्रमोशन होगा अच्छा काम नहीं करेंगे प्रमोशन हो जाएगी मैं हूँ जय हिंद मई का सभापति अच्छा काम कर रहा हूँ तो 9 साल से जिस दिन अच्छा काम नहीं कर অনুষ্ঠান হোক ভালো দিন হোক দরকারের দিনও আপনারা মানুষের পাশে থাকবেন মানুষের সাথে থাকবেন সেই নিয়ে আমরা শৈলেশ মিশ্রার নেতৃত্বে আজকে এই বৃষ্টিতে সকাল থেকে আমরা দেখলাম পরপর একটা প্রোগ্রাম চলছিল যেখানে আমরা ফ্ল্যাগ হোস্টিং করলাম তারপরে আজকে আমাদের এই একটা শ্রমিক এরিয়া এখানে আমাদের লেবাররা কাজ করে বাইরে থেকে এসে আমাদের মহিলারা থাকে মহিলারা কাজ করে তো আপনারা দেখছেন এখানে আমাদের মহিলাদের মধ্যে শাড়ি দেওয়া হচ্ছে আর আমাদের যা শ্রমিক আছে তারা লুঙ্গি লুঙ্গি দেওয়া হচ্ছে আমি বাহিনী বাহিনী পয়দান জন্য বলতে সত্যি ধন্যবাদ করি আর এরকম जिनके हाथ से कूपन ले नहीं को दे चले कर करता ही करने वाले भाई और जरा हम लोग ये खाने खाना चले आज सब जाएंगे नहीं चले मूर्ति चले ऐ तो भलो बात करे छी ना इरा दे और हम को 300 कमोर 300 साड़ी 300 लुई 300 साड़ी आज के 12টা মধ্যে বিতর করেছে আমার নেতা কৃষ্ণ প্রতাপ সিং শক্তি প্রতাপ সিং আমার কন্ট্রোল দুবে আর আমার পান্ডে বিবি সন্তোষ বিভিন্ন বিভিন্ন ওয়ার্ডে নেতা এসে এখানে চলে গেছে আর আমাদের দুদিন ধরে এই ঝান্ডা দিয়ে 14 গানে বেদি একজন জাহিন মানে ছেলে করতে পারবে না অনেক মেহনত আমরা ছেলে করেছে এই ওয়ার্ডে 14 গানে বেদি আজকে ঝান্ডা পূরণ করা হয়েছে দাদা उसके लिए क्या क्या तैयारी हो रही है हो रहे हम लोग का देख रहे दीदी का अभी प्रधानमंत्री का हो रहा है दीदी का वो लोग कर देगा काम तो हम लोग का अच्छा काम करेंगे और 42 स्वतंत्रता स्वतंत्रता दिवस है आजादी झंडा काम करने के बाद यहाँ छोटा भाई प्रेसिडेंट शैलेश मिश्रा जो अपना दुख व्यतीत कर रहा है आप लोगों के सामने नहीं करना चाहिए क्योंकि मीडिया एक समूह है सबके लिए मीडिया है बशर्ते बहुत दुखी है क्या कर सकते हैं पूछ यहाँ तृणमूल को लोग झंडा उठा के तृणमूल को विरोध करते हैं सब पश्चिम बंगाल में चारों तरफ हवा बहा है बाकी 45 नंबर वार्ड में तृणमूल कांग्रेस का हवा नहीं हर साल सोनू स्पा स्पोर्टिंग क्लब के माध्यम से जय हिंद वाणी के माध्यम से हम लोग लुंगी और साड़ी वितरण का समारोह करते हैं हर साल 14-15 साल से कर रहे हैं और हमारे हैं शैलेश भाई अरे रुको ना सुंदर जी हैं हम लोग सब मिल के संगठन से सोनू स्पा स्पोर्टिंग के माध्यम से ये प्रोग्राम करते हैं और किस क्या क्या कार्यक्रम साल भर आप लोग करते रहते हैं जैसे ब्लड डोनेशन हुआ
हेल्थ चेकअप हुआ, छाता वितरण, हर समारोह हम लोग यहाँ पे 45 आने वाले दिनों में और कोई और भी जो भी हमारा सामाजिक कार्य कार्यकर्ता से जब जो बड़े वो हम लोग करेंगे। आपका नाम? आप सोनू स्टार स्पोर्टिंग क्लब के क्या है? ठीक है, थैंक यू।